IIT ICT एग्जाम, यानी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर एग्जाम, जो कि एक इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए क्लियर करना मैंडेटरी होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेड फंड शाला की NSM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन वाली वीडियो सीरीज की सक्सेस के बाद अब हम आपके लिए IIT ICT एग्जाम की भी सीरीज लेकर आए हैं। इस वीडियो सीरीज में हम IIT ICT एग्जाम फॉर लाइफ इंश्योरेंस के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी लेकर आएंगे ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो सके। अगर आप पिछले चैप्टर्स की वीडियोस और मॉक टेस्ट को देखना चाहते हैं तो ऊपर आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। मूविंग ऑन, हमारी वीडियोस पर आए शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमने एक कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया, जिसमें आप में से 3 लकी विनर्स हमारी वीडियोस को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करके 300 रुपये तक के अमेजन वाउचर्स हर हफ्ते जीत सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आदित्य बिरला सनलाइफ AMC को भी थैंक यू करना चाहूँगा। आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड हमें इस चैनल जेड फंड शाला के लिए नॉलेज और रिसोर्सेज का सपोर्ट दे रहे हैं। मैं हूं अक्षत गिरोत्रा और आप देख रहे हैं जेड फंड शाला। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम सभी चैप्टर्स क्वेश्चन को एक एक करके कवर करने वाले हैं और आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं चैप्टर 19 यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। दो द ड्यूरेशन ऑफ कवर फॉर प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसिस वुड वेरी फ्रॉम इंश्योरर टू इंश्योरर एंड इज डिफाइंड इन द पॉलिसी, द मोस्ट कॉमन कवर इज फॉर डैश प्री हॉस्पिटलाइजेशन। द ऑप्शंस आर 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज या फिर 60 डेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि 30 डेज। कवर की ड्यूरेशन प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसिस के लिए इंश्योरर टू इंश्योरर वेरी करती हैं और पॉलिसी में ये चीज़ें पहले से डिफाइंड होती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कवरेज होता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन के केस में वो होता है लगभग 30 दिन का। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर IIDA गाइडलाइंस अ डैश ग्रेस पीरियड इज अलाउड फॉर रिन्यूअल ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसीज। द ऑप्शंस आर 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज या फिर 60 डेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि 30 डेज। इंश्योर्ड यानी कि पॉलिसी होल्डर को 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है ड्यू डेट के बाद में हेल्थ पॉलिसी को रिन्यू करवाने के लिए। अगर पॉलिसी होल्डर ग्रेस पीरियड में पॉलिसी को रिन्यू करवा लेता है तो पॉलिसी में कोई भी चेंजेस नहीं होते। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू अ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसिस पॉलिसी। द ऑप्शंस आर ओनली हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसिस आर कवर्ड, हॉस्पिटलाइजेशन एज वेल एज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आर कवर्ड, हॉस्पिटलाइजेशन एज वेल एज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आर कवर्ड एंड अ लमसम अमाउंट इज पेड टू द फैमिली मेंबर्स इन द इवेंट ऑफ द इंश्योर्ड डेथ। Hospitalization expenses are covered from first year and pre and post hospitalization expenses are covered from the second year if the first year is claim free. The right answer is option B. So, एक पॉलिसी में हॉस्पिटलाइजेशन के साथ साथ प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसिस को भी कवर किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify which of the below statements is correct. The options are health insurance deals with morbidity, health insurance deals with mortality, health insurance deals with morbidity as well as mortality. Health insurance neither deals with morbidity or mortality. The right answer is option A, यानी कि health insurance deals with morbidity. Insurance में morbidity का मतलब होता है कि ऐसी condition जिसमें कि insured medical condition से suffer कर रहा होता है। आइए देखते हैं next question. Which of the below statements is correct with regards to cashless service provided in health insurance? The options are, it is an environment friendly go green initiative started by insurance companies to promote electronic payments so that circulation of physical cash notes can be reduced and trees can be saved. Service is provided free of cost to the insured and no cash is to be paid as the payment is made by the government to the company under a special scheme. All payments made by insured have to be made only through internet banking or cards as cash is not accepted by the insurance company. Yeah, if the insured does not pay and the insurance company settles the bill directly with the hospital. Iska sahi answer hoga option D. हेल्थ इंश्योरेंस में कैशलेस ऑप्शन से इंश्योर्ड यानी कि पॉलिसी होल्डर को कुछ भी पे नहीं करना होता है हॉस्पिटल में और बिल इंश्योरर कंपनी यानी कि इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली सेटल कर लेती है हॉस्पिटल से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ PPN विद रिगार्ड्स टू हॉस्पिटल इन दी हेल्थ इंश्योरेंस। दी ऑप्शंस आर पब्लिक प्रेफर्ड नेटवर्क, प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क, पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क या फिर प्रोवाइडर प्रेफरेंशियल नेटवर्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी PPN की फुल फॉर्म प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क होती है। इंश्योरेंस यानी इंश्योरेंस कंपनी के पास ऑप्शन होता है प्रेफर्ड हॉस्पिटल्स का नेटवर्क बनाने का ताकि बेस्ट रेट्स पर क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल सके। आइए देखते हैं हमारा फाइनल क्वेश्चन। आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द ऑप्शंस आर एन एम्प्लॉयर कैन टेक अ ग्रुप पॉलिसी फॉर हिज एम्प्लॉयज, अ बैंक कैन टेक अ ग्रुप पॉलिसी फॉर हिज कस्टमर्स, अ शॉपकीपर कैन टेक अ ग्रुप पॉलिसी फॉर हिज कस्टमर्स,
A group policy taken by the employer for his employees can be extended to include the family members of the employees. The right answer is option C. एक shopkeeper अपने customers के लिए कभी भी कोई policy नहीं ले सकता है, so इसीलिए statement गलत है और बाकी सारी statement सही है. So ये तो थे chapter 19 के सबसे most important questions. अगर आपको इन क्वेश्चन से लेकर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. इसके अलावा अगर आप IDIC 38 एग्जाम का एक मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके अटेम्प्ट कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए. जेड फंड्स की बात करें, जैसा कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ऑलरेडी जानते होंगे, जेड फंड्स एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमारे साथ जुड़कर अपने क्लाइंट्स को सभी कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स अवेल करा सकते हैं और खुद के लिए प्लैटिनम कमीशन रेट्स भी अर्न कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड्स ही नहीं बल्कि टाइम टू टाइम जेड फंड्स बहुत से यूनिक प्रोडक्ट लेकर आता रहता है, जैसे कि डेली SIP, डेली इंटरेस्ट अकाउंट, फ्री चार्ज क्रेडिट लाइन और डिजिटल गोल्ड जैसे. ऑल्सो अगर एज अ फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस वाइज बात करें तो हम बहुत तेजी से अपनी ऑफरिंग्स को बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम जल्द ही लोन और इंश्योरेंस का बिजनेस भी हमारे प्लेटफॉर्म पर लाने वाले हैं. यानी कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से अपना कंप्लीट फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस मैनेज कर पाएंगे. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी हमें व्हाट्सएप करें 7217746224 पर और बने एक स्टार फाइनेंशियल एडवाइजर, या फिर हमारी जेड फंड्स के एडवाइजर ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया. थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंडशाला. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली.